यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भैया ये बजरी निकाल रहे हैं। ये अब यहाँ से बजरी इसको निकाले दो, ये लेके जाएंगे। तो ये बजरी में ही है सोना, तो ये बजरी आएगा। अब वहाँ पे धुलाई होती है, तो वहाँ पे धुलाई होती है तो फिर क्या है कि मिट्टी के साथ साथ ये सोना भारी होता है, तो वहाँ पे बैठते रहता है, है ना सर? हाँ, ये चमक रहा है, हल्का हल्का देख के चमक रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए इकट्ठा हो गया, ये देखिए ये इकट्ठा हो गया। इस लेवर का नाम है करनाली, नेपाल का सबसे लंबा नदी है करनाली में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर ये गोल्ड माइनिंग का मतलब ऐसे होता है यहाँ पे देसी तरीके से। सर ये गोल्ड माइनिंग कब बढ़िया होता है, कब करते हैं गोल्ड माइनिंग? गोल्ड माइनिंग ये सितंबर अक्टूबर में सबसे अच्छा होता है। अच्छा। जब मानसून खत्म हो जाता है, मानसून के बाद जब अच्छा नदी के साइड में जो नए नए बजरी रहता है, सैंड रहता है, बालू रहता है, उसमें सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले उसमें सैंड में तो रहता ही है गोल्ड, तो ये सबसे पहले ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी कैलाश पर्वत से आ रहा है। कैलाश पर्वत से आ रहा है। तो सिर्फ माइनिंग इसी वाले एरिया में मतलब इसी वाले रिवर में होता है? सबसे अच्छा इसी में होता सबसे है। अच्छा इसी में होता है। मैं ये पूछ रहा था सर यहाँ पे यही लोग निकालते हैं कि और भी लोग कहीं से आते हैं? ट्रेडिशनली यही लोग हैं, क्योंकि इनका नाम ही सदियों से सोनहा कहा जाता है, क्योंकि सोना से लाइफ चल रहा है। अच्छा, ये लोग तो हैं ही है। और वो अभी बात हो रही थी भैया से, तो कह रहे थे कि वो कुछ चाइना से भी लोग आए थे। हाँ, तो चाइना गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके अच्छा, आया था कि वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लेके आए थे, मशीन लेके आए थे, और उनका एक्सपेक्टेशन था कि मतलब बहुत जैसे ही करोड़ों लगाने का इन्वेस्ट किया था उन्होंने, तो उन लोगों का मानना था कि मतलब बहुत सारे अमाउंट में गोल्ड मिलेगा। अच्छा। तो ये तो उतना तो मिलेगा नहीं। अच्छा, उतना तो मिलेगा। तो बस उनको उतना पता नहीं आया कि जैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना वो तो चलो ये तो हो गया कि वो तो चले गए फिर वापस, है ना? और वो फिर चाइना जो है अपना यहाँ से कितना दूर पे? लगभग 80-85 किलोमीटर। 80-85 किलोमीटर उधर जाएंगे तो चाइना मिल जाएगा। आप लोग को जाने को मिलता है वहाँ? जाने को मिलता है, पर जहाँ से नेपाल से चाइना को बॉर्डर है 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हाँ, नेपाली तो वहाँ से आप लोग जाके शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। ये चीज जो है नेपाल में फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि नेपाल के अंदर में भी देसी स्टाइल में गोल्ड निकालते हैं। तो उससे पहले आप देखते रहिए कि किस तरीके से सोना को निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर भी एक दो जगह है, लेकिन आज हम आपको लेकर के आ गए हैं नेपाल के अंदर, जहाँ पे गोल्ड माइनिंग आज भी बरकरार है और आज भी लोग निकाल रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग को पाकिस्तान के अंदर और दूसरे दूसरे जगह देखने को मिलता था, पता ही नहीं था कि यहाँ नेपाल के अंदर भी ऐसा गोल्ड माइनिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम होता है, मतलब थोड़ा सा सोना निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आप खुद ही देखिए। तो आपको फुल प्रोसेस दिखाते हैं कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड अप तक कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस जो है ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भैया ये बजरी निकाल रहे हैं ये, और ये इसमें एक तसले में भर रहे हैं, और इसी बजरी से सोना निकलेगा। फिर सोना कैसे निकलेगा अभी हम आपको दिखाते हैं, पूरा लास्ट तक बने रहिए। कितना सोना मतलब निकलेगा इसमें से कितना है वो सब दिखाते हैं। ये अब यहाँ से बजरी ये इसको निकाले दो, ये लेके जाएंगे इधर आपको दिखाते हैं। तो ये बजरी में ही है सोना, तो ये बजरी आएगा। अब वहाँ पे धुलाई होती है, तो वहाँ पे धुलाई होती है तो फिर क्या है कि मिट्टी के साथ साथ ये सोना भारी होता है, तो वहाँ पे बैठते रहता है। ये रह रहा है पत्थर जो भी आ रहा है इसको भेज दे रहे हैं, और ये लकड़ी का कुछ बना हुआ है। रूख से पेड़ से बनता है, दूसरा से नहीं। अच्छा। दबदबे नेपाली में इसको दबदबे कहते हैं। इनका ट्रेडिशनल बिलीफ है कि अगर ये इसी लकड़ी का ये रहेगा एक जो पेड़ पौधा का, तो इससे ज्यादा गोल्ड माइनिंग होगा। अच्छा। और मतलब डूंगा तो नाव तो दूसरा स्पीसीज का ट्री से भी बन सकता है। अच्छा। इससे इस लकड़ी से तो ज्यादा लाभ। सर यही बता रहे हैं कि ये लकड़ी एक ही लकड़ी से ही बनाते हैं इसे, तो देख सकते हैं।
तो नवंबर और दिसंबर में ये होता है, लेकिन हम लोग को बहुत ही मन था कि कैसे होता है, तो ये इनको हायर करके लेके आए हैं। लास्ट में ये देखिए, इसी पे नीचे ही सोना बैठता है। आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का दिखता है, लेकिन लास्ट में फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे इसमें कैसे क्या होता है। देखिए ये बजरी का क्वालिटी देखिए, हाँ, और यहाँ का क्वालिटी देखिए, यहाँ का क्वालिटी देखिए, यहाँ का क्वालिटी देखिए, यहाँ का और कलरफुल आएगा, यहाँ का ड्रेप ब्राउन आएगा, और लास्ट में फाइनली यहाँ का इतना सा बजरी कलेक्ट करेगी ये भाभी जी, और कटोरे में डाल के फिर अच्छा रियल गोल्ड निकाल लेंगे। रियल गोल्ड जो सर जी जैसे बता रहे थे ना कि थोड़ा सा लास्ट में यहाँ से उठता है लास्ट में, तो इसको इसमें रख के फिर करते हैं, वो भी प्रोसेस दिखाएंगे आपको। दिखाएंगे ये लकड़ी क्या चीज का होता है? लकड़ी वो जंगरस रूप बनाई थे ना, किस कौन सी लकड़ी का है? हिंदी में नेपाली में इसको जेंगरा कहा जाता है, जेंगरा लकड़ी होता है। तो ये इनका एक ये भी ट्रेडिशनल मानना है जो आप पहले बता रहे थे कि ये एक ही लकड़ी से पूरा बनाते हैं, मतलब एक ही लकड़ी और एक ही प्रजाति का, एक ही प्रजाति, दूसरे जैसे कि फर्क फर्क का प्रजाति का उससे नहीं बना था। अच्छा, तो मानना ये है कि इस वाली लकड़ी में सोना ज्यादा बैठता है, तो ये सदियों से इसी वाली लकड़ी को प्रॉपर यूज करते आते हैं, और बोटे इससे इससे बना के इसकी में करते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे फिर ये बजरी ऐसे करके डाल देंगे, और उसके बाद धुलने लगते हैं इसको। तो इसमें से क्या है कि गोल्ड नीचे बैठ जाता है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे बना रखा है प्रॉपर लकड़ी से, ऐसे करके धुलाई होगी। बस कुछ ही देर में ही निकलने प्रोसेस खत्म होने वाला, और सोना का जो है जो भी भंडार इसमें निकलने वाला वो सब निकल जाएगा। आप लोगों को ये लग रहा है वो लकड़ी का कलर है, लकड़ी का कलर नहीं है, ये बालू का कलर है, जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है ये बालू है, आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं ये बालू है। कंटिन्यू कलर चेंज होते हुए जा रहा है, अब ब्लैक हो गया, अभी ब्राउन था, ब्लैक हो गया। देखा जाए कहीं कुछ मिल रहा है, देखिए दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा है, मेरे हाथ में तो ये देख सकते हैं आप कि ये गोल्ड है दोस्तों, ये मिला गोल्ड, इतना बड़ा तो मैंने देखा, इतना बड़ा गोल्ड, बाप रे, ये देखिए आप, आज तो लग लग गया। हाँ भाई ये चमक रहा है, हल्का हल्का चमक रहा है, देख सकते हो आप लोग जो है ना, ये सब गोल्ड छोटा छोटा, ये कितने छोटे छोटे हैं देखिए, कहाँ पे ये, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो हल्का हल्का गोल्डन गोल्डन दिख रहा होगा, ये देखिए गोल्ड तो गोल्डन, ये देखिए तो इसको छोटा छोटा निकाल के पिघलाते होंगे आप लोग, ये मेरे हाथ अभी देखिए ना, अभी हो जाएगा, ये देखिए मेरे हाथ पे आया ना ये गोल्डन कलर का, यही गोल्ड है। तो ऐसे करके देखिए दोस्तों, अब इसको यहाँ से निकाल के इसमें डाला जाएगा, छोटे वाले में। अब इसका प्रोसेस ये है, इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये बालू फिर निकलेगा और गोल्ड वहीं पे उसी लकड़ी वाले जो बना हुआ प्लेट टाइप में उसी में रुक जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है ये गोल्ड निकालने का, ये देखिए धीरे 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 करते करते कितने क्वांटिटी में पानी डालना है और कितने स्पीड में डालना है वो सब भी इनको मायने रखता है, क्योंकि ये नहीं कि तेज डाल दो तो सोना दह जाएगा पूरा, और तेज हल्का डालेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। देखिए दोस्तों छोटा छोटा भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोल्ड माइन हो रहा है, ये देखिए फाइनल प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है, यहीं से लास्ट में ये देखिए कितना सारे गोल्ड, ये देखिए कितना सारा गोल्ड है, ये देखिए ये गोल्ड है, फेस भी दिखाई इधर भी, ये गोल्ड निकल गया फाइनली, आप देख सकते हो, ये देखिए काफी अच्छा प्रोसेस गोल्ड निकालने का। चलो फाइनली आपने गाइस देख ही लिया कि गोल्ड कैसे निकाला जाता है ना, तो गोल्ड का पूरा प्रोसेस दिखा दिया गया है सोने का, और ये चीज़ जो है नेपाल में फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग,
कि नेपाल के अंदर में भी देसी स्टाइल में गोल्ड निकालते।